सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। और एक उदाहरण देता हूँ आपको, बीच बीच में कभी पता चलता होगा एक अभियान चला इस देश में, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ। क्यों लगाए जी? तो आपको बीमारी नहीं आएगी। कौन सी बीमारी नहीं आएगी? हेपेटाइटिस नहीं आएगा। हेपेटाइटिस माने क्या होता है? पी लिया। अब हेपेटाइटिस के चार पांच स्वरूप हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। भारत में ए होता है, ए ठीक है, और हेपेटाइटिस बी होता ही नहीं। मैं तो 10 साल से खोज रहा हूं, आपको मिले तो मुझे बताइए, हेपेटाइटिस बी का एक पेशेंट मुझे दीजिए आप। 10 साल से मैं खोज रहा हूं, सब पेशेंट है हेपेटाइटिस ए के, और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन कोई नहीं लगा रहा है, सब बी का लगा रहा है। पेशेंट कोई है नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती और सरकार लगवा रही है। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनी का वैक्सीन है जो बिक रहा है इस देश। और अभियान ऐसा चला कि बैंक वालों को ठोक दिया जबरदस्ती, बीमा वालों को ठुकवा दिया, सबको बी का वैक्सीन। फिर मैंने केस लगाया सरकार के खिलाफ, केस लगाया तो मैं जीता सरकार हारी, तब से ये वैक्सीनेशन बंद हुआ। नहीं तो पता नहीं 10 साल चलता 20 साल चलता, पता ही नहीं है हम। ताजा उदाहरण, महाराष्ट्र में 6 लाख मुर्गियों को मार डाला। क्या तर्क है? एवियन फ्लू होगा। हुआ है किसी को? लगभग 15 दिन हो गए हैं, मैं पूरे भारत के कई हॉस्पिटल्स के साथ लगातार संपर्क में हूं कि आपके पास कोई एवियन फ्लू का केस आया हो तो बताइए, कहीं नहीं आया। फिर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला किस आधार पर? कि उनसे वायरस फैल सकता है। फैला तो नहीं है, फैल सकता है, इसकी गारंटी क्या है? और भारत एक ऐसा अद्भुत देश है दुनिया में जहां कोई भी वायरस जल्दी से फैल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीखा है, इतना तेज है कि सैकड़ों किस्म के वायरस तो ऐसे ही मर जाते। यूरोप में यह समस्या है कि वहां बहुत तेजी से वायरस फैलते हैं क्योंकि साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं होता। यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं 1 साल में 9 महीने सूर्य का दर्शन नहीं होता, और साल में 6 महीने तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इतने ठंड वाले इलाके में अगर कोई फ्लू फैले, वायरस फैले, बैक्टीरिया बने और वो मल्टीप्लाई करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत जैसा तो देश दुनिया में अद्भुत है जहां साल के 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलता है, हर दिन सूर्य प्रकाश मिलता है, और आजकल का समय तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड का है जिसमें कोई वायरस पनपना ही बहुत मुश्किल है। और इसी कुतर्क के आधार पर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला बेदर्दी के साथ। बिना सोचे समझे कि इन मुर्गियों का हमारे जीवन को चलाने में कोई उपयोग होता है। यह उपयोग नहीं कि वो अंडा देती है और हम अंडा खाते हैं, उससे ज्यादा बड़ा उपयोग है जो हमें आज तक पता नहीं चला है। इस प्रकृति के चक्र को नियमित रखने में मुर्गों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो छोटे जीव हैं, जो शरीर के शत्रु हैं, उनको खाने का काम ये मुर्गी और मुर्गे करते रहते हैं, चुन चुन के उठा लेते हैं जमीन पे से, ताकि मनुष्य सुरक्षित रहे। तो हम मनुष्यों को सुरक्षा देने के काम में जो मुर्गी और मुर्गे लगे हैं, उन मुर्गे और मुर्गियों को मनुष्य को बचाने के कुतर्क के आधार पर कत्ल करवा दिया सरकार। ऐसे अगर हमारी सरकार को चलाने वाले नेता हैं और ऐसे हमारे देश को चलाने वाले अधिकारी हैं, तो भगवान इनको जल्दी से उठाए। और इनको उसी गति में पहुंचाए जिस गति में 6 लाख मुर्गियां अभी पहुंचाई गई हैं। जल्दी से इनको उठाए क्योंकि इनका बोझ अभी सहा नहीं जाता। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्।